नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत, आप देख रहे हैं धनश्री टेक्निकल। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, आज जो है वो रिलायंस जियो ने अपना जियो प्राइम वो है लॉन्च कर दिया है, और इसके साथ अपना जियो का जो फ्री सब्सक्रिप्शन था, आप फ्री में वॉइस कॉल, डाटा और हर चीज जो फ्री में कर सकते थे, वो अब से बंद होने वाला है। 1 मार्च 2017 से कुछ भी फ्री नहीं होने वाला है। मैं आज आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूं, तो आप ये वीडियो देखते रहिए कि रिलायंस जियो ने बंद किया है और बंद करने के बाद रिलायंस प्राइम जो है लॉन्च किया है, उसमें क्या क्या उसने दिया है और क्या क्या इसमें झोल है, और आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, किस तरीके से देने पड़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि रिलायंस जियो ने जो है रिलायंस प्राइम जो अपना एक नया प्लान है वो लॉन्च कर दिया है, और रिलायंस जियो ने फ्री जो सब्सक्रिप्शन था, फ्री जो डाटा था, फ्री जो मोबाइल डाटा, वॉइस कॉलिंग, सब कुछ भी बंद कर दिया है। अब आपको हर चीज़ के लिए पैसे देने ही पड़ेंगे, जैसे कि आप बाकी सिम्स में, बाकी कंपनियों के, बाकी सर्विस प्रोवाइडर में देते हैं। जाहिर तौर पर कि रिलायंस जियो में कम पैसे देने पड़ेंगे, पर पैसे तो अब देने पड़ेंगे। ये तो फाइनल हो गया है, रिलायंस जियो और फ्री नहीं होने वाला है, फ्री खत्म। तो अब इसमें बात करते हैं कि रिलायंस प्राइम में आपको क्या क्या मिल रहा है और किस तरीके से मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपको रिलायंस जियो जो 31 जो कि 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपको रिलायंस प्राइम का सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलेगा। उसके लिए आपको 1 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में आपको इनरोल करना होगा। उसके लिए आपको देने होंगे 99 रुपीज़ देने के बाद जो है आप अपना इंटरनेट चालू करवा पाएंगे, और ये मिनिमम है, 99 रुपीज़ आपको देने हैं, तब आप रिलायंस जियो प्राइम के जो है वो मेंबर बन जाएंगे। और मेंबर बनने के बाद आपका जो नेट है वो सिर्फ जो है वो आपके ऐप्स जो है रिलायंस जियो, रिलायंस टीवी, जियो टीवी और जियो ऐप्स वगैरह जो है उसमें आपको देखने पड़े, उसमें ही आपको डाटा मिलेगा। आप उस पर ही जो भी वीडियोस या मूवीज या और ट्रेलर वगैरह है वो देख पाएंगे, पर उसमें भी बहुत सारा झोल है, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं पैसे देने ही होंगे अगर आप 99 रुपये रिलायंस प्राइम बस लेते हैं तो। इसके साथ ही रिलायंस प्राइम सब्सक्राइब करने के बाद, यानी कि 99 रुपये इनरोल करने के बाद, आपको मिनिमम 303 यानी 303 रुपये देने होंगे। और ये 303 रुपये वाला जो प्लान है इसमें आपको मिलेगा 1 GB का पर डे डेटा, जैसे कि अभी है, पर 1 GB पर डे डेटा आपको मिलेगा, यानी महीने में आपको 30 दिन में 30 GB डेटा मिलेगा, और फ्री तो आप कुछ भी नहीं होने वाला है। और इसको ये मिनिमम चार्ज है 303 रुपये, 303 रुपये में आपको 30 GB डेटा मिलेगा। और अंबानी साहब ने ये भी बताया है कि रिलायंस प्राइम के और जो अलग अलग वर्जन जो है वो आने वाले हैं, अलग अलग प्राइस पॉइंट पे आने वाले हैं, जिसमें 303 रुपये के बाद और जो है अच्छे ऑफर होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है, पर वो महंगे होंगे और वो उनकी डिटेल जो है वो बाद में आएगी तो हम आपको बता पाएंगे। अभी तो सिर्फ इतना ही है कि अगर आपको रिलायंस जियो यूज़ करना है तो आपको 303 रुपये पर मंथ देने होंगे, और उसके पहले रिलायंस जियो का जो जियो प्राइम है उसको सब्सक्राइब करना होगा 99 रुपये दे के, यानी टोटली आपको 403 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे। हर महीने आपको 303 रुपये देने पड़ेंगे, और साल में एक बार, जैसे कि अभी आपने 1 मार्च को रिलायंस जियो प्राइम सब्सक्राइब किया, तो सीधे अगले साल 2018 में आपको फिर से रिलायंस जियो को 100 रुपये देने होंगे। 100 रुपये अभी देंगे, उसके बाद साल भर का आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा रिलायंस जियो प्राइम का। और अगर आप रिलायंस जियो प्राइम सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये मत दीजिए, पर आपका नेट जो है वो बंद हो जाएगा पूरी तरीके से, तो फिर आपका जियो सिम चलाने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि नेट चलेगा नहीं, डाटा चलेगा नहीं, तो आप कॉल भी नहीं कर सकते क्योंकि वो वोल्टी सपोर्ट कॉल है। तो आपको अगर यूज़ करना है तो आपको 99 रुपये देने ही पड़ेंगे, रिलायंस जियो प्राइम को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और रिलायंस जियो प्राइम को सब्सक्राइब करने के बाद मिनिमम अगर आपको एक दिन में 1 GB डाटा चाहिए, 30 दिन में 30 GB डाटा आपको मिलेगा, 1 GB पर डे लिमिट रहेगी, तो आपको मिलेगा 30 GB डाटा 303 रुपये में। हर महीने आपको 303 रुपये देने पड़ेंगे, और इसके अलावा और कुछ प्रीमियम ऑफर्स भी आने वाले हैं, तो उनके बारे में अभी बताया नहीं है।
और जैसे ही बताएंगे हम आपको बताएंगे कि और प्रीमियम ऑफर्स कौन कौन से आने वाले हैं। तो अभी के लिए तो इसमें इतना ही है कि सबसे पहले आपको 99 रुपये दे के अपना रिलायंस जियो प्राइम जो है वो सब्सक्राइब करना है। 1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होगी 1 साल, और इसके बाद हर महीने आपको 303 रुपये देना है। और 303 रुपये देने के बाद आपको महीने में 30 GB जो है वो 4G इंटरनेट मिलेगा, 1 GB पर डे के हिसाब से। और इसमें कुछ माइनस पॉइंट ये भी हैं कि अभी तक फ्री दे रहा था तो सब कुछ ठीक था, जो भी फ्री में मिल रहा है सब ठीक है। पर अब जब आप इसको चार्ज कर रहे हैं तो एक बात ये भी ध्यान रखिएगा आप कि इसके बाद जो है रिलायंस जियो की स्पीड जो है वो बहुत कम हो गई है। रिलायंस जियो का नेटवर्क जो है वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि बाकी सर्विस प्रोवाइडर का है, और कॉल लगती नहीं है, एक बार में तो कभी भी नहीं लगती है। हालांकि पहले से बहुत सुधार हुआ है इसमें, पर कॉल लगती नहीं है। इमरजेंसी में आप कम से कम 5-7 बार तो ट्राई करें तब एक बार कॉल लगती है। तो आप ये सब बातें ध्यान में रखिए कि जो इस जियो की 4G की स्पीड है वो बाकी दूसरी कंपनियों की 3G की स्पीड से कम है, और मैक्सिमम जगहों पे रूरल एरिया में या छोटे शहरों में तो बहुत ही कम है रिलायंस जियो की जो नेट की स्पीड है। और इसमें कॉल भी लगता नहीं है, एक बार में जल्दी से कभी भी कॉल नहीं लगता, 5-6 बार तो ट्राई करना ही पड़ता है, और नेटवर्क जो है वो बहुत वीक है। तो इसलिए आप ये सब बातें ध्यान में रखिए और अपने हिसाब से देखिए कि आपको रिलायंस जियो प्राइम सब्सक्राइब करना है या नहीं, या आप किसी और सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना चाहते हैं, या इनके जो नए ऑफर आएंगे आप उनका वेट करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो 1 मार्च से 31 मार्च तक आप रिलायंस जियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जैसे ही इसकी और कुछ डिटेल आएगी हम आपको बताएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने जानने वालों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता चले। और लाइक बटन दबाइए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।